लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने नियुक्तियों को लेकर कहा कि 28 नवंबर को प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर पहुंचेंगे और समन्वय समिति की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में निगम मंडल की सूची पर चर्चा होगी, जिसके बाद हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि सरकार को सारे कार्यक्रम छोड़कर केवल कोरोना को नियंत्रित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, ऐसे समय में सावधानी बरतते हुए कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जाना चाहिए। सरकार की पूरा होगा ऐसा हमें लगता है, मगर जो भी एजेंडा है पुनिया साहब ही बता पाएंगे, मगर जो हमें लगता है उस पे अपनी तैयारी पूरी करेंगे। देखिए, जब तक हाईकमान की अनुमति सहमति नहीं होगा तब तक कहना जल्दबाजी होगी, मगर हमारी तैयारी है। हम संगठन स्तर पर जो भी नियुक्तियां होनी है उस पे हम लोग प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी और उसमें बात हम पुनिया साहब के पास पूरी बात। देखिए, सरकार पिछले समय जो उत्सव मनाए थे, कोरोना का विस्फोट हुआ था। छत्तीसगढ़ में लगातार अभी कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री जी को ये बताया गया कि हम कोरोना में कंट्रोल कर लिए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की आप बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या भी कम है, एक्टिव केस की संख्या भी कम है।